रियली इट इज सो एंग्री। जिस तरह से उन्नाव में जो घटना सामने आई है कि पहले रेप किया गया फिर उसे जिंदा जला दिया गया, क्या कहेंगे आप? वो तो हुआ तो बहुत ही गंदा हुआ, मगर साथ साथ जो अपना चित्रकूट में थाने में हुआ, शर्म की बात है। और हम इस चीज को हाउस में नहीं उठा पा रहे, इसके ऊपर डिस्कशन अलाउड नहीं है, ये क्या हो रहा है? और अगर हम बहुत सख्त शब्द यूज करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आपने बहुत कठोर शब्द यूज किया। क्या करें, ये तो फीलिंग है हमारे अंदर की, क्या करूं मैं? अभी मुझे ऐसा लगता है कहीं गुस्से में मैं, आप लोग मेरे सामने खड़े, आप लोगों को पकड़ के ना मार दूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो घटना सामने आई है, उत्तर प्रदेश में आपने इलाहाबाद का भी जिक्र किया, इलाहाबाद का कल आपने 0 आवर नोटिस दिया था, जी जी जी, इलाहाबाद में जो घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है और जो सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं, इसके बारे में क्या? अरे उत्तर प्रदेश में कहां सुरक्षा है, किसी की सुरक्षा नहीं है। अभी आपको घटनाएं बताऊंगी उत्तर प्रदेश की तो आप चौंक जाएंगे। हर तरह का वायलेशन हो रहा है वहाँ, एवरी काइंड ऑफ वायलेशन, वेदर इट्स एनवायरमेंट, वेदर इट्स सिक्योरिटी, लव जिहाद तो आप जानते ही हैं।